हेलो गाइस वेलकम टू अर यूट्यूब चैनल प्रदीप प्रदेव दिस इज उपासना सिंह और आज हम जानेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में जो कि हमारे जावा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेस मॉडिफायर्स जो होते हैं जावा में वो चार टाइप्स के होते हैं प्राइवेट डिफॉल्ट प्रोटेक्टेड पब्लिक डिफॉल्ट मतलब जब हम कोई भी अपना एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं करते हैं उसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं उसको हम डिफॉल्ट कहते हैं हम इन सभी एक्सेस मॉडिफायर्स का प्रैक्टिकली यूज़ देखेंगे उससे पहले इनकी थोड़ी करी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जान लेते हैं प्राइवेट द एक्सेस लेवल ऑफ प्राइवेट मॉडिफायर इज ओनली विद इन द क्लास इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्राम आउटसाइड द क्लास प्राइवेट का जो एक्सेस हमारा मॉडिफायर होता है वो सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता डिफॉल्ट एक्सेस लेवल ऑफ डिफॉल्ट मॉडिफायर इज ऑनली विद इन द पैकेज इट कैन नॉट बी एक्सेसड फ्राम आउटसाइड द पैकेज एक्सेस लेवल जो होता है डिफॉल्ट मॉडिफायर का इसका एक्सेस सिर्फ पैकेज के अंदर तक होता है इसको हम लोग पैकेज के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई एनी एक्सेस लेवल इट विल बी कंसिडर एज डिफॉल्ट अगर हम कोई भी कीवर्ड का यूज़ नहीं करते हैं प्राइवेट प्रोटेक्टेड या पब्लिक का तो ऑटोमेटिकली उसे डिफॉल्ट की तरह कंसीडर किया जाता है प्रोटेक्टेड द एक्सेस लेवल ऑफ द प्रोटेक्टेड मॉडिफायर इज़ विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज थ्रू चाइल्ड क्लास जो एक्सेस लेवल होता है प्रोटेक्टेड मॉडिफायर का वो या तो विद इन द पैकेज होता है या फिर आउटसाइड द पैकेज होता है थ्रू चाइल्ड क्लास चाइल्ड क्लास का यूज़ करके इफ़ यू डू नॉट मेक द चाइल्ड क्लास अगर हमने चाइल्ड क्लास क्रिएट नहीं करी है इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड पैकेज के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते मॉडिफायर जो एक्सेस लेवल होता है पब्लिक मॉडिफायर का वो हर जगह से होता है इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम विद इन द क्लास क्लास के अंदर भी हम इसे एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज पैकेज के अंदर और पैकेज के बाहर भी इन सभी एक्सेस मॉडिफायर को इजिल समझने के लिए मैंने आपके लिए एक टेबल भी रखी है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हम हमोगे हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स पब्लिक प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट प्राइवेट अपने इन सभी मॉडिफायर्स का यूज़ हम लोग वेरिएबल्स के आगे भी कर सकते हैं मैथड्स के आगे भी कर सकते हैं एंड क्लासेस के आगे भी कर सकते हैं अगर हम पब्लिक कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं अपने क्लास के आगे तो हम उसे सेम क्लास में एक्सेस कर सकते हैं सेम पैकेज में भी सेम सब क्लास में भी और ग्लोबली भी चाहे वेरिएबल हो चाहे मैथड हो चाहे क्लास हो कुछ भी सब पे ये चीज़ कंडीशन वैलिड रहेगी से सिमिलरली प्रोटेक्टेड के लिए भी सेम क्लास मैक्सेज है सेम पैकेज पे सेम सब क्लास पे बट ग्लोबली एक्सेस नहीं है अगर हमने प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज़ किया है चाहे वो वेरेबल हो चाहे वो मैथड हो चाहे वो क्लास सिमिलरली फॉर डिफॉल्ट अगर हम वहाँ पर कोई भी कीवर्ड यूज नहीं कर रहे हैं तो डिफॉल्ट के लिए वो सेम क्लास मैक्सेज है सेम पैकेज पे भी एक्सेस है सब क्लास पर एक्सेस नहीं है ग्लोबली भी एक्सेस नहीं है अगर हम पे प्राइवेट कई का यूज कर रहे हैं अपने वेरिएबल या मेथड में सेम क्लास में एक्सेस होगा बट फिर ना ही वो सब पैकेज में एक्सेस है ना ही सेम सेम सब क्लास में एक्सेस है ना ही ग्लोबली एक्सेस है सो आई होप थली आपको चारों इन मॉडिफायर्स का यूज समझ में आया हो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं इनको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं तो गाइज मैंने यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर ली है एंड अब यहाँ पे एक मैं दूसरी क्लास क्रिएट करती हूँ अब इसके अंदर मैं अपने चार वेरिएबल्स डिफाइन करूंगी एंड चारों का अलग अलग एक्सेस मॉडिफायर होगा और अब इन चारों ही वेरिएबल्स को मैं अपनी दूसरी क्लास में एक्सेस करूंगी ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि किस एक्सेस मॉडिफायर को हम दूसरी क्लास से एक्सेस कर सकते हैं क्लियरली या नहीं कर सकते तो हमारा जो डिफॉल्ट वाला था उसको इसने यहाँ पे एक्सेस करने दिया है सो so, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें डी को एक्सेस नहीं करने दे रहा है क्योंकि डी हमारा जो है प्राइवेट है प्राइवेट हमें दूसरी क्लास में वेरिएबल्स को एक्सेस करने की परमिशन नहीं देता है सो आई होप आपको प्राइवेट वाला एक्सेस मॉडिफायर समझ में आ गया होगा तो एक्सेस हम इसे नहीं कर सकते इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा दे रही हूँ अब रन करते हैं तीनों की वैल्यू प्रिंट हो गई मतलब अपने हम डिफॉल्ट कीवर्ड को पब्लिक को प्रोटेक्टेड को दूसरी क्लास से एक्सेस कर सकते हैं सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अगर हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना के दूसरी क्लास में उसे एक्सेस करते हैं तो हम अपने डिफॉल्ट को कर सकते हैं पब्लिक को कर सकते हैं प्रोटेक्टेड को भी कर सकते हैं बट हम अपने प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकते बट अगर हम एक ही क्लास में इसे एक्सेस करना चाहें मतलब मैं सेम क्लास में से, मैं सेम क्लास में इसे एक्सेस करना चाहती हूं तो क्या होगा एंड गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे जावर ट्यूटोरियल की के सीरीज में टेन लेक्चर्स ऑलमोस्ट अपलोड हो गए हैं एंड ऑल भी लेक्चर्स यहाँ पे शेड्यूल्ड हैं जो कि आपको टाइम टू टाइम बिटवीन टू टू थ्री डेज आपको मिलते रहेंगे सो तो प्लीज प्लेलिस्ट को फॉलो करिएगा ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मिस ना हो सो so, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किया सेम क्लास में यहाँ पे मैंने अपने सारे वेरिएबल्स को एक्सेस किया बट अब इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में क्रिएट किया एंड वहाँ पे जाके मैंने इस मेथड को एक्सेस किया उसके बाद बीस ने हमारे डी को प्रिंट नहीं किया है तो आप समझ सकते हैं हमारा जो प्राइवेट की है उसके हेल्प से हम किसी भी तरीके से अपने प्राइवेट वेरिएबल्स की वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते तो चलिए आइए देखते हैं कि आप हमें सेम पैकेज में भी एक्सेस कर सकते हैं तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे पैकेज डिफाइंड है एस आर सी डॉट रिदेव डॉट डेमो तो इसके अंदर हमारा ये ऑलरेडी फर्स्ट प्रोग्राम है तो अब हम अपने इसी इस एक्सेस मॉडिफायर के इन वेरिएबल्स को इसी सेम पैकेज के बट दूसरे फाइल में जाके एक्सेस करेंगे तो हमारे पास ये ऑलरेडी रिटर्न कोड है हम इसी को यूज कर लेते हैं सेम पैकेज के अंदर है हमारी ये फाइल हमने यहाँ पे ए बी सी डी को ए बी सी को तो कर लिया एक्सेस चलिए डी को देखते हैं एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं तो अगर हमने डी को एक्सेस करने की कोशिश करी तो यहाँ पे हमें एरर बता रहा है एरर क्या बता रहा है द फील्ड डेमो डॉट डी इज नॉट विजिबल मतलब जो हमारा डी वेरिएबल है डी हमारा क्या है ये डी हमारा प्राइवेट है प्राइवेट दूसरी क्लास के लिए जो कि सेम पैकेज में है उसके लिए भी विजिबल नहीं है तो हम इसे प्रिंट नहीं कर सकते तो हम इसे हटाना होगा कंट्रोल एस करके सेव करते हैं एंड नाउ प्रोग्राम के लिए रन करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे तीनों ही वेरिएबल्स टेन ट्वेंटी थर्टी जो कि हमारी यहाँ पे डिफाइन थी ये प्रिंट हो गई है हमारे हमारी दूसरी क्लास में जो कि सेम पैकेज में है सिमिलरली एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके आप एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करेगा और वहाँ पर अपने सारे एक्सेस मॉडिफायर का यूज करके चेक करेगा कि प्रॉपरली वो जैसे मैंने यहाँ पे चार्ट में डिफाइन किए हैं वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं लाइक फॉर सब क्लास वो पब्लिक प्रोटेक्टेड में तो आप उसे एक्सेस सेम एक्सेस कर पाएंगे बट डिफॉल्ट एंड प्राइवेट पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे एंड आप, आप उसे ग्लोबली डिफाइन करते हैं तो आप उसे सिर्फ पब्लिक कीवर्ड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं आप प्रोटेक्टेड डिफ़ॉल्ट प्राइवेट में एक्सेस नहीं कर सकते हैं एंड किसी भी तरह के कोई भी डाउट्स अगर आते हैं तो आप प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है आप वहाँ पे भी जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अपने डाउट्स वहाँ पे मैंशन कर सकते हैं सो आई होप आपको अच्छा लेक्चर पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा कमेंट करिएगा दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ ज्वाइन बटन पर क्लिक करिए, थैंक यू